भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। स्वामी के व्यवहार से मैं अत्यंत लज्जित हूँ जया विजया। स्वामी असमय स्नान गृह में चले आए और तुम लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। इसमें लज्जित होने की कौन सी बात है सखी पार्वती? कैलाशपति भगवान शिव को कैलाश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, परंतु परंतु क्या? परंतु तुम्हारे एकांत और स्नान आदि के समय कोई बाधा न पहुँचे, इसका उपाय तो तुम्हें करना ही होगा। कैसा उपाय? साधारण सी बात है, तुम अपने स्नान घर के द्वार पर अपना एक प्रहरी नियुक्त कर दो। प्रहरी? प्रहरी तो था, नंदी मेरी आज्ञा से द्वार पर ही खड़ा था। नंदी तो शिव जी के गण हैं, गणों में अध्यक्ष हैं वो। वो तुम्हारी आज्ञा क्यों मानेंगे? शिव जी के सामने उनका नतमस्तक हो जाना उचित है सखी पार्वती। सत्य है, शिवगण महादेव के सेवक हैं, वे तुम्हारा आदेश नहीं मानेंगे। तो मैं क्या करूं? इसका निर्णय तो तुम्हें ही करना है, क्योंकि ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है। मेरा परामर्श मानो तो कुछ दिनों के लिए हिमाचल चल कर रहो। नहीं जया, बार बार मुझसे एक ही बात न कहलवाओ। इस समय मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पिताश्री और माताश्री की व्यग्रता का ध्यान है मुझे, किंतु मैं विवश हूँ। यदि तुम अपनी विवशता के कारण हिमाचल महल आने की इच्छुक नहीं हो तो हमें आज्ञा दो। बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। जया विजया, तुम दोनों तो अपने प्राणों से प्रिय सखी पार्वती को हिमालय राजमहल ले जाने के लिए आई थी ना? सखी पार्वती हिमाचल जाने के इच्छुक नहीं है। क्यों, किसने रोका है उन्हें? शिवशंकर, यदि आप हमारी प्रिय सखी पार्वती के व्यवहार से रुष्ट हो गए हैं तो हम उनकी ओर से क्षमा याचना करते हैं। भोलेनाथ, हमारी प्रार्थना मानकर आप पार्वती पर रुष्ट ना हो, वो पहले ही उदास और निराश हैं। देवी पार्वती की उदासी और निराशा का कारण कहीं हम तो नहीं? नहीं नहीं महादेव, आपको पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। आपको पाकर तो वो धन्य हो गई हैं। आप उनकी उदासी और निराशा का कारण कैसे हो सकते हैं? आजकल देवी पार्वती अकारण ही उदास और निराश रहती हैं। हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं, हर मन की बात जानते हैं। पार्वती जी की उदासी और निराशा का कारण आपसे अज्ञात नहीं होगा। शिवशंकर, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। हमें आपकी प्रार्थना का ज्ञान है देवियों, हम अपनी ओर से देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपका आश्वासन पाकर हम धन्य हुए शिवशंकर। अब हमें आज्ञा दें, अगली बार जब हम कैलाश आएंगी तो पार्वती को अपने साथ अवश्य लेकर जाएंगी। ओम नमः शिवाय।
नंदी भैया, कैलाश पर ये क्या हो रहा है? भृंगी भैया, यहाँ घटित घटनाओं को देखकर हम स्वयं चकित और उद्विग्न हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में अघटित घटित होने वाला है। राज इंद्र के वाहन एरावत को क्या हो गया? अपनी शक्ति के अभिमान में उन्मत्त हो रहा है। समुद्र मंथन से निकला हुआ एरावत स्वयं को देवता समझता है, किंतु आज तो ये मतवाले जंगली पशुओं के समान चिंगाड़ रहा है। इसका देवत्व नष्ट हो गया है। नारायण नारायण, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने एरावत के साथ अनुचित व्यवहार किया है। नारायण नारायण। देवगण, आपको एरावत निंदा छोड़कर एरावत को उन्मत्त होने के कारण का पता लगाना चाहिए। प्रणाम देवर्षि नारद। तुम्हारा कल्याण हो एरावत। देवर्षि, क्या आप भी इनकी भांति ये समझ रहे हैं कि मैं उन्मत्त हो गया हूँ? नहीं नहीं एरावत, बिल्कुल नहीं। यदि तुम उन्मत्त होते तो इस प्रकार मुझे प्रणाम नहीं करते। हाँ, तुम्हारा ये व्यवहार भी शोभनीय नहीं है। नारायण नारायण। सत्य है देवर्षि, किंतु मैं अपना क्षोभ व्यक्त कर रहा हूँ। नारायण नारायण, क्षोभ? कैसा क्षोभ? आपको तो ज्ञात ही है देवर्षि कि मैं समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर अपनी इच्छा से स्वर्ग में निवास करने आया था, किंतु यहाँ का भोग विलास देखकर मेरा मन सदा दुखी रहता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आज देवराज इंद्र ने ही नहीं, देवी शची ने भी जंगली पशु कहकर मेरा भयानक अपमान किया है। नारायण नारायण। आपको भली भांति ज्ञात है देवर्षि कि मैं किसी देवता से कम चमत्कारी नहीं, अपितु मेरी दिव्य शक्तियां इन देवताओं से अधिक हैं। त्रिदेवों और परम देव श्री महागणेश की इच्छा के कारण मैं देवराज इंद्र का वाहन हूं, किंतु इसका ये अर्थ तो नहीं कि मैं पशुतुल्य हूं। नारायण नारायण। गजराज ऐरावत, आप सत्य कह रहे हैं, आप अतुल्य शक्ति के स्वामी हैं। सत्य तो ये है ऐरावत राज कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की शोभा आपसे ही है, उन्हें आपका पर्याप्त सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद देवर्षि। देवर्षि, आप इस पशु की व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हैं। तरिक सोचा देवर्षि, क्या परमदेव श्री महागणेश और त्रिदेवों की कृपा पा जाने से ये ऐरावत देवता बन जाएगा, हमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा? देवर्षि, ऐरावत पशु है और पशु ही रहेगा। हमारी ओर क्यों आ रहा है? निश्चित ही ये हम पर आक्रमण करने आ रहा है। हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आपका परामर्श उचित है। परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, ये मेरी आंखें क्या दृश्य देख रही हैं? स्वर्ग के निवासियों में परस्पर संघर्ष। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवी सची, थोड़ा धैर्य रखें। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें देवराज, रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। इस दुष्ट पशु ऐरावत से हमारी रक्षा करें स्वर्गाधिपति। इसकी दुष्टता हमारे प्राणों का संकट बन गई है देवराज। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। सावधान ऐरावत,
अपनी पशुता का प्रदर्शन शीघ्र बंद कर दो, अन्यथा नष्ट कर दिए जाओगे। इस दुष्ट पशु को चेतावनी ना देकर नष्ट कर दे देवराज। इसका दुस्साहस स्वर्ग की मर्यादा को लांघने लगा है देवराज, इसे दंडित करें देवराज। हम पर प्रहार करके इसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है देवराज, इसे यमराज के मुख का ग्रास बना दे स्वर्गाधिपति। इस दुष्ट पशु की दुष्टता दंड योग्य है देवराज, इसे दंडित करें। इसे दंडित करें देवराज, इसे दंडित करें। देवगणों, आप सब बार बार मुझे दुष्ट और पशु कहकर अपमानित कर रहे हैं, शीघ्र अपने अपशब्दों की क्षमा याचना करें, अन्यथा मेरा क्रोध क्षण मात्र में स्वर्ग लोक को नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। देखा देखा आपने देवराज, इस दुष्ट पशु का दुस्साहस अब और सहन नहीं होता देवराज। सावधान करने के पश्चात भी आप सब दुष्ट और पशु कहकर बार बार मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं अंतिम अवसर देता हूँ, यदि आप सब ने अपने अपशब्दों की क्षमा याचना न की तो मेरी दिव्य शक्तियां स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगी। आदेश के पश्चात भी तुमने अपने पशुता का प्रदर्शन बंद नहीं किया रावत। मेरे बार बार कहने पर भी आप सब मेरा अपमान कर रहे हैं, अब मेरा क्रोध प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्ग लोक को नष्ट भ्रष्ट कर डालता हूँ। शक्तियों के सन्मुख आपका गदा तो क्या, वज्र भी नतमस्तक हो जाएगा। सावधान सावधान। के कारण तुम अहंकारी और दुष्ट हो गए हो एरावत। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, स्वर्ग से तुम पतित हो जाओ। अपनी योग निद्रा को तने विराम दें। प्रभु, स्वर से तो ये किसी हाथी की चिंघार लगती है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम माता लक्ष्मी। अनर्थ हो गया श्री हरि, अनर्थ हो गया। देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन से निकले गजराज ऐरावत को श्राप देकर उसे पृथ्वी लोक में पतित कर दिया। प्रभु, देव और दानवों के संयुक्त प्रयास से मेरे साथी गजराज ऐरावत समुद्र मंथन द्वारा प्रकट हुए थे। देवराज इंद्र का यह दुस्साहस भयानक अपराध है। नारायण नारायण। श्री हरि, देवराज इंद्र एवं देवताओं के अपशब्दों से अपमानित गजराज ऐरावत ने बार बार देवताओं को सावधान किया, किंतु देवराज इंद्र के क्रोध एवं शाप के कारण अंत में गजराज ऐरावत को पृथ्वी लोक में पतित होना ही पड़ा। नारायण नारायण।
प्रभु, देवराज इंद्र के इस दुस्साहस को आप प्रताड़ित करें। देवी लक्ष्मी, आप देवराज इंद्र को प्रताड़ित करने के लिए इसी कारण कह रही हैं ना? क्योंकि गजराज रावत आपके साथ समुद्र मंथन से निकले थे। निसंदेह दिव्य गजराज एरावत को पाकर देवराज इंद्र के यश में वृद्धि हुई थी। गजराज का अपमान और उनको शापित कर देवराज इंद्र ने अनुचित कार्य ही किया है। नारायण नारायण श्री हरि। वैसे तो परमदेव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से घटता है, किंतु गजराज एरावत के पृथ्वी लोक में पतित होने से पृथ्वी लोक एवं स्वर्ग लोक में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? देवर्षि नारद, देवी लक्ष्मी, विद्वांस रचना का प्रारंभ है। इंद्र और एरावत जिस लीला के निमित्त बने हैं उसका भविष्य अत्यंत सुखद होगा। इस कारण आप दोनों इस घटना को लेकर उद्विग्न ना हो। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इस घटना को देखकर हम इस समय इतना ही कह सकते हैं कि इस घटना का परिणाम दूरगामी और शुभ होगा। आज गजराज अरावत को इंद्र के द्वारा अपमानित और पतित होना पड़ा है, किंतु इंद्र का यह शाप एरावत के भविष्य में शाप नहीं वरदान बन जाएगा, उसका सुमंगल होगा। सुमंगल नारायण नारायण।